झांसी में 11 मई को बीजेपी का युवा सम्मेलन है, तो 11 मई को बीजेपी का युवा सम्मेलन होने वाला है झांसी में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युवा सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। झांसी पुलिस लाइन में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, 10:55 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर उतरेगा। 11 बजे इलाई चौराहे के पास लक्ष्मी गार्डन में सीएम धामी पहुंचेंगे, अनुराग शर्मा के समर्थन में युवाओं में जोश भरने का काम करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन में पहुंचेंगे, युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 10:55 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर उतरेगा। 11 बजे इलाई चौराहे के पास लक्ष्मी गार्डन में पहुंचेंगे सीएम धामी, अनुराग शर्मा के समर्थन में युवाओं में जोश भरते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा के लिए चुनाव प्रचार यहाँ पर करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से अनुराग शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं, बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है और उन्हीं के समर्थन में यहां पर माहौल बनाने का प्रयास करते हुए। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राजौरिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जिस तरीके से 11 मई को बीजेपी का युवा सम्मेलन होने वाला है, क्या कुछ खास? बिल्कुल निशु, देखिए झांसी की बात करें तो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झांसी आ रहे हैं और कल 10:55 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चौपर है वो पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद जहां मेरी मौजूदगी है वही ग्राउंड है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सामने, ये वो पीछे जो मंच है जिस मंच से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो झांसी पहुंचकर इस युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तैयारियों की, तो तैयारियों में आप देख सकते हैं लगातार जिस तरह पीछे मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं लगातार आपको देख रही होंगी कि जिस तरह से लगातार पुलिस फोर्स जो है ग्राउंड पहुंच गया है और हर एक स्थिति का जायजा लेता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी पहली बार झांसी आएंगे और पहली बार झांसी आकर स्टार प्रचारक भी वो जो हैं बनाए गए हैं, जो कि तवातोड़ रैलियां और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं अनुराग शर्मा जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान ललितपुर झांसी लोकसभा सीट के भी प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन में खड़े होंगे और युवाओं को जोश भरने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि झांसी ललितपुर लोकसभा की सीट है जिसका मुकाबला बेहद आश्चर्य होगा, क्योंकि दो प्रत्याशी मैदान में है, दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर एक दमखम प्रयास जो है वो कर रही है। और जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, जिसको लेकर हर एक जो पार्टी का पदाधिकारी है हर एक कार्यकर्ता जो है वो निचले स्तर से लेकर लगातार काम कर रहा है और हर एक रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे। इसी क्रम में कल जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो झांसी पहुंचेंगे और ठीक मेरे पीछे जो मंच को आप देख पा रहे हैं वो मंच से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और हालांकि अब से कुछ देर पहले पुलिस अधीक्षक भी इस ग्राउंड में पहुंचे जिन्होंने हर एक स्थिति का जायजा भी लिया है। जायजा लेते हुए तैयारियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, तैयारियां अपने जो है अंतिम चरण पर है। जी निशु, और अगर सीट की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय सीट है झांसी ललितपुर सीट, और ये वो सीट है जहां से हर एक पार्टी ने एक एक बार जीत का स्वाद चखा है। अगर हम आजादी के बाद जब इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ तब से यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा, उसके बाद सपा बीएसपी भी यहां पर एक एक बार जीती है, लेकिन 2014 से यहां पर बीजेपी जीतती आ रही है। तो बीजेपी यहां पर हैट्रिक बनाने की ताक में, कितना मुश्किल बीजेपी के लिए होने वाला है क्योंकि सपा और यहां पर कांग्रेस एक साथ आ गए हैं? बिल्कुल निशु, देखिए अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में लगातार कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा रहा है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। और लगातार अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी ने एक बार इस सीट से जो है जीत का स्वाद चखा है, लेकिन लगातार 3 से 4 बार जो है भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर अपना कब्जा जमाए रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार की जो हैट्रिक की आप बात कर रहे हैं ये देखना बेहद आश्चर्य होगा, क्योंकि इस बार जो चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी
पिछले तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीन चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत भी आपने देखा होगा, तो वो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो रहा है गर्मी का, तपती धूप में मतदान भी कम हो रहा है, इसको लेकर भी जो चैलेंजेस है वो सामने होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी नाराज देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कई जगह पर जब हम लोग जाते हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां से ये चीजें निकल कर सामने आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे जनता काफी नाराज भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार कई बूथों पर लोगों ने जो है मतदान बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का जो जीत का मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चैलेंजेस होगा, और इस बार जो जीत का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो भी किसी से कमजोर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि जनता भी जो है वो कई बूथों पर जो है मतदान बहिष्कार का भी ऐलान कर रही है। हालांकि बीते दो दिन पहले भी आपने देखा होगा निशु झांसी से तस्वीरें भी साझा हुई थी कि 4 से 5 ग्रामीण जो लोग हैं, 4 से 5 गांव के लोग जो वो झांसी पहुंचे थे और अपने हाथ में बैनर लिए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से उस पर लिख रखा था कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बेहद चैलेंजेस जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे जी। और जिस तरीके से अनुराग शर्मा की अगर बात की जाए तो अनुराग शर्मा मौजूदा सांसद भी है, तो क्या उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सत्ता विरोधी लहर कोई? बिल्कुल निशु, देखिए वर्तमान सांसद भी अनुराग शर्मा है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से। लेकिन अगर हम एंटी की बात करें तो एंटीपसी बराबर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ झांसी की अगर जनता की बात करें तो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड की जो जनता परेशान है वो पेयजल समस्या को है। कई जगह के जो लोग हैं, कई बाड़ों के जो लोग हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर पानी नहीं तो वोट नहीं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि झांसी की जनता को किस तरह से वो मनाने का काम करेंगे जी। चलिए ठीक है, तो अब देखना होगा किसकी यहाँ पर जीत होगी। विपक्ष यहाँ पर क्या हैट्रिक लगाने से रोक पाएगा भाजपा को, या फिर भाजपा एक बार फिर से यहाँ पर हैट्रिक लगा जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक, और तमाम जानकारी